नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन पे आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो अगर आपको अभी तक रामायण का ज्ञान नहीं है, रामचरितमानस से आप अवगत नहीं है, तो आप अब मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज में पाठ्यक्रम में इस ज्ञान को ले सकते हैं। जी हाँ, शिवराज सरकार ने एक बड़ी पहल की है कि अब इंजीनियरिंग के छात्रों को एक पाठ्यक्रम और पढ़ाया जाएगा और यह पाठ्यक्रम होगा रामचरितमानस का, राम के आदर्श का। जी हाँ, प्रभु श्री राम के आदर्शों को अब इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाया जाएगा, जो कि उनके आने वाले फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आएगा। लेकिन इस पर भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। चलिए आपको पूरी खबर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि क्या फैसला यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्री राम के पाठ्यक्रम को लेकर किया है और कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज न आते हुए क्या कह रहा है इस पर। यदि आप मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में अब यदि आपको रामायण का ज्ञान नहीं है तो आपको ज्ञानवर्धन के लिए शिवराज सरकार ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में रामायण को एक विषय के तौर पर जोड़ने की अटकलों पर मोहर लगा दी है। यानी कि अब अभियांत्रिक में अन्य विषयों के साथ रामायण भी एक ऐसा विषय होगा जिसकी बाकायदा 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसे उत्तीर्ण करना आवश्यक है। दरअसल मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने तय किया है कि दर्शन शास्त्र से पहले साल के छात्र अब रामायण का भी पाठ पढ़ेंगे। सरकार ने हाल ही में जो पाठ्यक्रम जारी किया है उसके मुताबिक रामचरितमानस का व्यावहारिक ज्ञान के नाम पर एक पूरा पेपर होगा, जिसमें छात्रों को रामचरितमानस से जुड़े आदर्शों का अध्ययन कराया जाएगा। इस पेपर में 5 इकाइयों में वेद, उपनिषद और पुराणों में उल्लेख किए गए आदर्शों और गुणों की व्याख्या तो पढ़ाई जाएगी, साथ ही रामायण और रामचरितमानस में अंतर भी बताया जाएगा। भगवान श्री राम की पितृभक्ति और उनके बाकी गुणों को भी इस पूरे पाठ्यक्रम में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। हर मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाली कांग्रेस इस मुद्दे पर भी अपनी राजनीतिक नासमझी का उदाहरण पेश करते हुए इस फैसले पर अपना विरोध जता रही है। जहाँ एक तरफ मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मोहन यादव कहते हैं कि हमारे गौरवशाली अतीत का ज्ञान छात्रों को हो, इसलिए यह कोर्स तैयार किया गया है, इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए, वहीं कांग्रेस के कुछ विधायक ने इस पर एतराज किया है। भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद ने मांग की है कि यदि कोर्स में रामचरितमानस पढ़ाया जा रहा है तो फिर कुरान के पाठ भी पढ़ाए जाए। आने वाले दिनों में यह मसला बड़ा बनेगा और शिवराज सरकार को चर्चा में लाएगा। इस फैसले पर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि इससे कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो कोई भी भगवान राम के चरित्र और समकालीन कार्यों के बारे में जानना चाहता है वह इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में ऐसा कर सकता है। भगवान श्री राम के जन्म स्थान को लेकर कांग्रेस ने एक लंबा विरोध किया है। हम गजल के रूप में उर्दू भी पढ़ाने जा रहे हैं, यह एक ऐच्छिक विषय रहेगी, जिसकी इच्छा है वह पढ़ सकता है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।